नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। विपक्षी नेताओं के एप्पल फोन में कथित रूप से जासूसी से जुड़ा नोटिफिकेशन आने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच एप्पल ने भी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने बताया कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मामले की जाँच कर रही है और इसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। CERT कुछ हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। विपक्षी नेताओं ने आरोप तब लगाया जब उनके आईफोन में एक नोटिफिकेशन आया कि राज्य प्रायोजित अटैकर आपके फोन के साथ ऑनलाइन माध्यम से छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन कांग्रेस नेता शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, TMC सांसद महुआ मोइत्रा और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के फोन में आए हुए थे। मामले की जांच शुरू करते हुए CERT ने एप्पल को भी नोटिस भेजा है। एप्पल को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। वहीं CERT कुछ हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसके बाद ही विपक्षी नेताओं के दावों पर कुछ स्पष्ट होगा। मंगलवार को IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच करने के निर्देश दिए थे। वहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी मामले की पड़ताल करेगी। जल्द ही एप्पल और CERT के अधिकारियों को IT मंत्रालय समन भी भेज सकता है।